बिग बॉस सीजन 17 का आगाज कुछ दिन पहले ही हुआ था। इस शो में शुरुआत से ही काफी कुछ ड्रामा ऑडियंस को देखने के लिए मिल रहा है। अभिषेक कुमार ने आते ही बिग बॉस के घर में कई कंटेस्टेंट से झगड़ा मोल लिया है। शुरुआत से ही दर्शकों को भरपूर मनोरंजन देने वाले इस शो से जुड़ी हाल ही में नई अपडेट सामने आई है। वाईकॉम 18 ने कुछ समय पहले दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्शन लेते हुए अवैध रूप से बिग बॉस सीजन 17 का प्रसारण करने वाली वेबसाइट पर रोक लगा दी है। गैर कानूनी तरीके से शो के कंटेंट को जगह जगह पर पोस्ट करने वालों के खिलाफ कोर्ट ने आदेश जारी किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता ने कहा कि बिग बॉस का टेलीविजन पर हिंदी के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कई फॉर्मेट प्रसारित किया जाता है। उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बिना लाइसेंस के गैर कानूनी तरीके से कई वेबसाइट बिग बॉस के कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं, जो उनके बिजनेस के लिए खतरा बन सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश जारी करते हुए ये भी कहा कि जिस तरह से अवैध रूप से कई वेबसाइट इस प्रोग्राम को प्रसारित कर रही हैं, उसे पायरेसी का खतरा भी बढ़ सकता है। पायरेसी की वजह से शो के प्रोड्यूसर को वित्तीय नुकसान झेलना पड़ सकता है। समाचार एजेंसी के मुताबिक जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 1 से लेकर 5 तक जिनके खिलाफ याचिका दायर की गई है, उनको बिग बॉस के पिछले एपिसोड से आने वाले एपिसोड को टेलीकास्ट, प्रसारण, स्ट्रीमिंग करने पर रोक लगाई जाती है। उन्होंने अपने आदेश में ये भी कहा कि अगर आने वाले समय में बिग बॉस के नाम का इस्तेमाल कर गैर कानूनी तरीके से याचिकाकर्ता के प्रोग्राम को प्रसारित किया जाता है, तो उन वेबसाइट के खिलाफ एक आवेदन दायर किया जाता है। ये आदेश आगे अगर कोई वेबसाइट ऐसा करती है तो उनके लिए भी लागू हो सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि अगर इस तरह की वेबसाइट जिन्हें बिग बॉस के नाम का इस्तेमाल करने की परमिशन मिलती है, तो वो भी पायरेसी का बढ़ावा मिलेगा, जिसकी वजह से उस याचिकाकर्ता को बड़ा नुकसान हो सकता है जिसने काफी ज्यादा इन्वेस्ट करके शो के अधिकार लिए हैं। कोर्ट ने गैर कानूनी तरीके से बिग बॉस की फुटेज को चलाने वाली वेबसाइट को भी ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। अगर गैर कानूनी तरह की वेबसाइट इस तरह प्रोग्राम को गलत तरीके से टेलीकास्ट करते हैं, तो इससे इस सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म को भारी नुकसान हो सकता है।